ये देखिए, ये हमारे चावल और प्याज की सब्जी, ये चपाती पराठे, इनके साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है। जब घर में कभी कोई सब्जी ना हो, मार्केट भी जाना ना हो, तो हमें समझ नहीं आता हम क्या बनाएं, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये प्याज टमाटर चावल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है ये, देखिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम बनाएंगे चावल और प्याज से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। इसके लिए मैंने ये 6 प्याज लिए हैं, इनको इस तरह से काट लिया है लंबा लंबा। ये 2 हरी मिर्च है, इसको मैंने बारीक काट ली है। ये अदरक है, और ये मैंने 10 टमाटर लिए हैं, और ये मैंने थोड़े से चावल लिए हैं। ये सिर्फ 1 बड़ा चम्मच चावल है, क्योंकि हम इसकी सब्जी बना रहे हैं इसलिए चावल कम ही लेंगे हम। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है। ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। अब ये जीरा हमारा अच्छे से लाल हो चुका है। अब हम इसमें ये 1/2 चम्मच राई डालेंगे। ये मैंने 5 काली मिर्च और 2 लौंग लिए हैं, ये भी डाल देंगे। अब इसमें ये हम प्याज, हरी मिर्च और ये अदरक, ये डालेंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये हमें ज़्यादा लाल नहीं करने हैं। और इसके बाद ये हम ये सूखी लाल मिर्च डालेंगे इसमें। देखिए, हमें इस तरह से इसको अच्छे से फ्राई करना है। इसके लिए मैं इसको अब 2 मिनट के ढक के रख देते हैं। देखिए, ये हमारे प्याज भून चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये हल्दी है, ये नमक है स्वाद के अनुसार। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे इस मसाले को। ये देखिए, अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, इनको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया है साफ पानी से। अब हम इसमें डाल देंगे। चावल आप कम ही रखना, अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारी सब्जी सब्जी नहीं चावल बन जाएंगे नमकीन, इसलिए हमें चावल कम ही रखते हैं। देखिए, अब हम इसमें ये 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी डाल देंगे। ये देखिए, पानी आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर और। ये देखिए, ये हमारे चावल की आज की सब्जी बनकर अब बिल्कुल तैयार है। आप ग्रेवी इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और आप इसमें धनिया पत्ती भी काट कर सजा सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त नहीं है तो मैंने नहीं डाला, आप ज़रूर डालें इसके अंदर। ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, अब ये हमारी चावल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है।
ये देखिए। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए जैसे मैंने बनाई है चावल प्याज की सब्जी। ये देखिए, ये हमारे चावल प्याज की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।